सागर पांडे आपके साथ, आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। आज दिनांक 13/10/2020 मंगलवार दुमका विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती लुईस मरांडी जी के नामांकन में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश, श्री बाबूलाल मरांडी, सांसद समीर उरांव जी जामताड़ा, विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वीरेंद्र मंडल जामताड़ा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यकर्ता गण दुमका विधानसभा में श्रीमती लुईस मरांडी के नामांकन में आकर सब अपनी अपनी प्रक्रिया रखे और कहे कि इस बार दुमका विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि पिछले 9 महीने के कार्यकाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड प्रदेश को बर्बाद करके रखे हैं। उनके 9 महीना कार्यकाल में झारखंड का विकास धीमा पड़ गया है। भाजपा कार्यकाल में हाई स्कूल में बहाल शिक्षक गण को बर्खास्त कर दिया गया। यह सरकार का रवैया बहुत ही गंदा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनते ही पूरे झारखंड में बलात्कार, चोरी, डकैती, ट्रांसफर, पोस्टिंग का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए नए चुने गए हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और पार्टी ने कहा सबसे पुराने केंद्र का चुनाव लगाए गए हैं, उनका की बात कर लें। जब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व झारखंड के अंदर दो विधानसभा का भाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें उनका से डॉक्टर लुईस मरांडी के आगे से बापू जी को टिकट दे करके बिना उस क्षेत्र से सफलता मिले, विजय हो, इसके लिए एक बार फिर खड़ा किया गया है। मैं उन तमाम केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करते के साथ यहाँ दोनों प्रत्याशी विजय हो इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। आज नामांकन है, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर लुईस मरांडी जी बीजेपी के कार्यालय में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हुआ है। उनके आभार करते हैं कि उन्होंने मतलब जैसे कार्यकर्ता पर आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका बीजेपी